जडेजा वो साउदम्पटन में उतना रफ था विच यू कुड हैव मेड ग्रेट यूज ऑफ, तो कितना डिसअपॉइंटिंग था वहाँ पे बैठते हुए एंड दैट ऑलराउंडर स्लॉट वो प्ले यू हैव वी यूज्ड टू सी हिम एज यू एज एन ऑलराउंडर, सो डू यू थिंक के आगे जाते हुए वो स्लॉट आपको मिल सकता है फिर? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिया के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना जो भी है वो अच्छा दोनों डिपार्टमेंट में मैं अच्छा करूँगा, कि टीम का एक ट्रस्ट मेंबर बनना चाहता हूँ कि जो भी वो ऑलराउंडर का स्लॉट होता है वो मैं अच्छी तरह से वो फिलफुल करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पास्ट में भी किया है तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किया नहीं है और ये चीज़ मेरे से कुछ नहीं है, तो जब टाइम की बात होती है कि थोड़ा टाइम इधर उधर चलता है तो वापस जो ही वो मेरा जो फॉर्म था वही मेरा जो टच था वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मैचेस मुझे मिलेंगे वैसे वैसे वो वापस आता जाएगा, तो हो सके कि जितना मैं इंटरनेशनल मैचेस खेलूं और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो मैं तीनों फॉर्मेट में वापस आ जाऊं। जटो आप एक ही फॉर्मेट खेलते हो आजकल, ओवरसीज ज़्यादा मैच भी नहीं मिलते हैं, पर आप जब आते हो सब्स्टिट्यूट फील्डर बोल के बैट्समैन दो के बजाय एक रन लेता है आपके खिलाफ, वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो आप मेंटली खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो, क्या रूटीन्स फॉलो करते हो? हो सकता है कि वो मेरी वीडियोज देखते रहते होंगे नहीं ये कि मेरा काम यही कि इंडिया के लिए खेल रहा हूँ वही मेरे लिए एक बड़ी बात है, कि कभी ना कभी मैं अच्छा करूँगा तो डेफिनेटली मैं हो सके तीनों फॉर्मेट वापस खेलने लगूँ बहुत ही जल्द टाइम में, बट मेरा काम ये है कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे अपने आप को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब एक फॉर्मेट खेल रहा हो तो बहुत टफ होता है कि आप इतने जो मैचेस के बीच में गैप बड़ा हो जाता है और आपको इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए तो वो बहुत ही कम हो जाता है, तो अपने आप को मोटिवेट करना होता है और जैसे जब टाइम मिलता है जब मौका मिलता है जैसे ये मैच में मुझे मौका मिला तो बस मेरा यही था कि मुझे अपना जो भी है मेरे पास जो भी मेरी एबिलिटी है वो फुल ग्राउंड पे देना है। पहले चार घंटे में इतनी कामयाबी नहीं मिली लेकिन बाद में, और शमी भाई के बारे में क्या बोलोगे, कितने बार बीट करोगे यार? नहीं एक्चुअली सबने अच्छा बोल डाला कि स्पेशली जब मोइन अली और एलिस्टर कुक का पार्टनरशिप चल रहा था तो हमने वही प्लान किया था कि बाउंड्रीज नहीं देंगे, क्योंकि वही एक टाइम था कि अगर उनको बाउंड्री उस टाइम पे नहीं मिलता तो पैनिक होके गलत शॉट मार के आउट होंगे, और वही हुआ कि एक विकेट गिरा और वहाँ से हमें 50 रन में कुछ हमने 6 आउट किए, तो वही था हमारा एज ए बॉलिंग डिपार्टमेंट का कि रन्स नहीं देने, अगर पार्टनरशिप जा रही है तो अच्छे एरियाज में बॉल डालेंगे, और जैसे सब पता है कि इंग्लैंड में कभी ना कभी एक विकेट गिरता है तो 2-3 विकेट साथ में आते हैं, तो और वैसे ही हुआ। फ्लैट ट्रैक में जैसे आप बॉलिंग करते हो इतने बढ़िया और कोई शायद स्पिनर करता ही नहीं, तो क्या स्ट्रैटेजी है फ्लैट ट्रैक्स में आप इतना अच्छा कैसे करते हो, एंड वो बेन स्टोक जो LBW जो डिसीजन आपने क्या बोलते हैं विकेट लिया उसके बारे में बात करना। आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है कि विकेट से आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है डे फर्स्ट को, और कुछ भी आपको जो भी बॉल डाल रहे हो और जो आप एक्चुअल डालना चाहते हो वो वैसा नहीं हो रहा है, तो बस मैं यही सोच रहा था कि शामी ईशांत और बुमराह तीनों सामने एंड से अच्छे बॉल डाल रहे थे बीट कर रहे थे लगातार और अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं भी उनको बाउंड्रीज ना दूँ, क्योंकि वो एक एंड से अगर वो प्रेशर रिलीज हो जाता है तो बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है, और वही कि जैसे मैंने कहा कि सबने अच्छा कमबैक किया, सेकेंड सेशन में विकेट नहीं मिला बट हमने रन भी इतने नहीं दिए, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एज ए बॉलिंग डिपार्टमेंट सबने अपना काम किया।